अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जैनी हान डेली व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तमाम न्यू देखने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो बेटा ये क्यों ऑफ कर दिया आपने? मम्मा नज़र नहीं आ रहा, हेलो फ्रेंड्स कर रही है। अंधेरा हो जाएगा, क्या करती हैं आप? हाँ छोड़ दे, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। अच्छे फ्रेंड्स, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी टाइम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना, मैं फातिमा के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि कुछ खाती पीती नहीं है, कोई चीज़ नहीं खाती पीती, कुछ भी नहीं। इतना इस लड़की ने तंग करके रखा हुआ है, एज इसकी होती जा रही है माशाल्लाह, और कमज़ोर इतनी है, हद से ज़्यादा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन वीक बहुत ज़्यादा। तो मुझे देख देख के मेरे दिल को कुछ होता है कि क्यों मेरी बेटी इतनी कमज़ोर है, कुछ खाती पीती नहीं है, सिर्फ दूध। पहले नगेट्स वगैरह खा लेती थी, कभी कोई बनाना खा लेती थी, अब सब कुछ रिजेक्ट हो चुका है, कोई चीज़ नहीं खाती है। तो अब मैंने इसके लिए जो है ना एक न्यू जुगाड़ के लेके निकाला है कि देखते हैं वो जो है ना कामयाब होता है कि नहीं होता। तो ये देखिए, ब्रेड मैंने लिया, एक पीस मैंने ब्रेड का लिया है, ठीक है ना। और ये मैं लेकर आई हूँ इसके लिए चोको क्रीम लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चे चॉकलेट्स बहुत शौक से खाते हैं, न्यूटेला की होते हैं, दूसरी तीसरी मैंने न्यूटेला की बहुत ढूंढी लेकिन मुझे न्यूटेला की नहीं मिली। तो ये भी क्रीम ही थी, चोको क्रीम है, मैंने कहा चलो चॉकलेट ही है बस, ठीक है। तो ब्रेड मैंने रख ली है ना, उसके ऊपर जो है ना, अब ये मैंने एक स्पून इतना सा मैंने लिया, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं देनी है कि बच्चे इसी चीज़ के आदि ना हो जाए, ठीक है ना। इसको पूरे ब्रेड पे जो है ना स्प्रेड कर देना है, अच्छे से स्प्रेड करना है, और स्पेशली जो है ना ये किनारियां जो होती हैं ना इनकी, इन पे अच्छे से आपने स्प्रेड करना है, रिमूव नहीं करनी है। अगर ये ब्रेड के साथ एक चीज है तो इट्स मीन कि ये खाने के लिए, ये वेस्ट करने के लिए नहीं है। ये देखिए, अच्छे से इसको हमने स्प्रेड कर देना है। फातिमा आप खाएंगी? नहीं, मैं आपको जबरदस्ती खिलाऊंगी ना। नहीं, चौकेश खाना है, चौकेश मैं इसके ऊपर आपको डाल के दूंगी। तो ये चौकेश ही है ना, ये देखो मम्मा आपके लिए स्पेशल इतनी बड़ी चौकेश लेकर आई है, पूरा बॉक्स मम्मा आपके लिए लेकर आई है चौकेश का, आप खाएंगी? नहीं खाना, चौकेश। तो ये क्या है? ये चौकेश ही है ना, ये चौकेश है। अब ये मैंने इसके ऊपर पूरे पे जो है ना अच्छे से चॉकलेट लगा लिया है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रेड होती है ये आपको पता है थोड़ी सख्त होती है, मतलब बहुत नर्म होती है, लेकिन बच्चे ड्राई सी होती है ना बच्चों के लिए, तो इसलिए जो है ना अच्छी नहीं होती है सही, तो बच्चों को गले में ना लगे, इसके लिए आपने क्या करना है। अच्छा, ये दूसरा पीस मैंने लिया, छोटा सा ही मैंने दूसरे पीस पे लिया, ये मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया, हाफ पीस मैंने लिया क्योंकि ये इतना भी खा लिया बहुत है। अच्छा, ये हमने कर दिया ना, अब हम इसके ऊपर ना मिल्क ऐड कर लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये जो है ना सही नर्म हो जाए, ताकि बच्चे जो है ना वो आसानी से खा लें, और स्पेशली ये जो इसकी टिप्स वगैरह होती हैं ना। हेलो फ्रेंड कर रही हो? हाँ मम्मा, हेलो फ्रेंड करना। बोलो हेलो फ्रेंड, हम ब्रेकफास्ट बना रही हैं। बोलो पापा खाएगी ब्रेड, हपम होगी है, कहते ब्रेड हपम होगी है, ब्रेड और पड़ी हुई है, आप सिर्फ खाने वाली बनो, कहते ब्रेड हपम होगी है। जितनी आप खुश हो रही हो ना, खुश ना हो, ब्रेड हपम नहीं है। तो ये देखिए जी फ्रेंड्स, अब मैंने इसके ऊपर जो है ना मिल्क ऐड कर लिया ना, तो ये देखिए ये इतनी ज़बरदस्त ये होगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी और जूसी होगी ये। बच्चे क्योंकि मिल्क ही हर वक्त पीते रहते हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होगी कि अब वो उसके मुँह में जाएगी ना तो बिल्कुल भी उसे ड्राई नहीं लगेगी, वो बड़े शौक से जो है ना ये खा लेगी। ये देखिए अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा करके खिलाऊंगी। जी ले फातिमा, वन बाइट।
वन बाइट फातिमा वन बाइट फातिमा लास्ट बाइट लास्ट लास्ट यम्मी से यम्मी फातिमा से यम्मी से यम्मी इसका मुंह ही यम्मी वाला नहीं है क्योंकि इसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन कोई नहीं, अब आज से जो है ना इसकी खिदमतें मैं शुरू करूंगी, अच्छे से करके इसकी खिदमत किया करूंगी और जबरदस्ती इसको मैं ये खिलाया करूंगी ताकि कोई ना कोई इसमें जान आती रहे। अब दूध जो है ना, ठीक है दूध बच्चों के लिए होता है, बहुत ताकत उसमें होती है, लेकिन जब एक एज होती है उस एज से बच्चा ज्यादा होता जाए ना तो उसके लिए फिर खाना पीना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ दूध से फिर कुछ नहीं रहता, ये बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है और ये पीछे रह जाएगी। इस तरह एक्टिव माशाल्लाह बहुत है, लेकिन जब जाहिर है हम इंसान है ना, हमने भी कुछ खाया पिया नहीं होता तो हम भी बिल्कुल ऐसे टोन हो जाते हैं, बेहोश होने वाले होते हैं क्योंकि एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, तो ये कुछ खाती पीती नहीं है। आज से मैं इसको जबरदस्ती इसकी क्लास लिया करूंगी और इसको मैं जबरदस्ती जो है ना खिलाया पिलाया करूंगी। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए फातिमा पे मैंने जो है ना फिनिश करवा दी, चाहे एक ही स्लाइस थी ठीक है ना, लेकिन एक एक करके भी ये रोज़ की रोज़ खाए कसम से कितना फ़ायदा हो, इसमें कोई ना कोई जान तो है। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ये चॉकलेट वाला जुगाड़ था जो था ना ये काम कर गया है। तो आपके बच्चे भी अगर खाना पीना नहीं खाते तो आप ये करें, चॉकलेट ला के ना चॉकलेट ब्रेड के ऊपर लगा के ना उनको जो है ना जैम शैम नहीं खाते आजकल के बच्चे, चॉकलेट वाला ला के ना इसी तरह मिल्क शेक डाल के तो उनको आप खिला दिया करें। देखिए फ्रेंड्स हमारे जो मेहमान खाना है ना, गेस्ट रूम जिसे कहते हैं, तो ये देखिए ये इस वक्त दरहम बरहम हो चुका हुआ है। क्यों भला, क्योंकि ये देखिए ये फातिमा आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? हाँ ओह ये देखो जरा, ये देखो ये क्या कर रही हैं गंदी बच्ची, आज ब्रेड खाया एनर्जी आई है ना? ये अच्छा जी ये दरहम बरहम फातिमा ने नहीं किया, आप ये ना समझिएगा कि फातिमा ने एक कमरे का दरहम बरहम किया हुआ है। एक्चुअली रात को ना अचानक हमारे घर में गेस्ट आ गए थे और दो दिन पहले तीन दिन पहले जो है ना मैंने अपने सारे बिस्तर वगैरह धुलवा के छत पे डाल दिए थे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था अब मौसम चेंज हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, धुलवा देती हूँ। वो फिर बारिश बीच में लग गई थी तो नीचे उतार के कहीं रखती तो उसने स्मेल छोड़ देनी थी। मैंने कहा चलो भीगती रहें अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। वो अचानक रात को मेहमान आ गई और दो दिन से बारिशें मुसलसल हुई, इतनी ठंड हो गई थी कि क्या बताऊं। तो फिर इतना हमारे साथ हुआ है ना सीन, ये देखिए ये ऊपर जो अपनी जो चादरें होती हैं ना करने वाली वो उन पे डाली हैं। ये देखिए ये मेरी एक चादर होगी, ये चादर होगी, ये वाली चादर, ये देखिए ये मेरी सारी मेरी चादरें हैं, ये कैनी साहब की चादर होगी, ये बेडशीट होगी, ये सारी चीज़ें हम डालते रहे हैं। लेकिन ठंड जो है ना फिर भी बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही थी कम होने का। लेकिन ये कि आज उनके साथ बड़ा सीन हुआ, याद करेंगे घर जाके कि इसने तो ठंड से ही मार दी है क्या कह रही हैं आप? हाँ गंदी बच्ची नहीं। चलो फिर साफ करते हैं जल्दी से, आप मेरे साथ काम करवाएंगी? काम करवाएंगी मेरे साथ? आप काम करवाएंगी मेरे साथ? चलो उठो फिर काम करते हैं, उठो। वेरी गुड, ये देखा फ्रेंड्स मेरी कितनी प्यारी बेटी है, मम्मा की जान, मेरे साथ सारा काम करवाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स इसको कितनी मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये क्या कर रही हो? हाँ हेलो टा टा हेलो फ्रेंड करो ना फातिमा, हेलो फ्रेंड ये आप क्या कर रही हो आज? हाँ आज आपको क्या हुआ? कुन नजर आ रहा है सारा, गंदी बच्ची शिम शिम हो जाएगी, छुपाओ छुपाओ कुना छुपाओ ये देखिए माशाल्लाह से फ्रेंड्स कमरा मेरा पूरा चमक गया है, ज़बरदस्त हो गया। ये देखिए ना ये दीवारों की वजह से कसम से इतनी तंग हूँ ना, वही जो अक्सर आप लोग मुझे कह रहे होते हैं आपकी दीवार क्या पेंट उतरा हुआ है, आपकी दीवार को पेंट की ज़रूरत है। भाई रेंट का घर है, क्या करें क्या क्या करें, हाँ कितना कुछ करें बंदा अपने लिए। पर्दे सारा कुछ हमने खुद सब कुछ लगवाया जितना हो सकता है, आप पूरे घर के पेंट शेंट तो नहीं ना करवा सकते, नहीं वो भी पता ही नहीं होता कितने दिन कितना टाइम रहना कितना टाइम नहीं। खैर छोड़िए
सफाई भी नहीं, इसमें मान है। ज़रूरी नहीं है कि दीवारें गंदी है तो हम घर ही ना साफ करें। घर मेरा चमक गया, ये देखिए सारा माशाल्लाह से। और ये देखिए बाहर से भी मैंने सारा अपना रूम भी सही मैंने फर्स्ट क्लास कर दिया। ये देखिए, हेलो फाफा, ये देखिए जी बेटा, बाहर नहीं आना, बहुत मारूंगी, बहुत ज़्यादा मारूंगी। ये देखिए किचन वगैरह भी सही मैंने साफ सुथरा कर दिया, सारा घर मैंने चमका चमकू के रख दिया। वो लोग जो मुझे कहते हैं ना कि यार ये तो काम नहीं करती, ये तो त्यार बैठ के खाती रहती है, इसके पास काम वाले हैं, ये वो है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए इधर मैं लाइट ऑन करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए आप अंधेरे में देख लें जितना नज़र आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, खुद जब तक ना करो तब तक 100% रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलता। चाहे वो आती हैं खुद काम करती हैं, फिर भी वैसे भी खुद करना पड़ता है साथ साथ, ठीक है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी, आपको मैं बहुत ज़्यादा लाडली नज़र आती हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए सफाइयाँ कर कर के ये हालत हो जाती है, सफाइयों वाली मासी लग रही हूँ ना। बुरी बात, अपने घर के काम करने से कोई काम नहीं होता, काम वाली नहीं बन जाता। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, खुद से सब कुछ सेटलमेंट वगैरह करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया। शाम होती जा रही है, अब जाके देखती हूँ छत के ऊपर बिस्तरे वगैरह जो डाले हुए थे, अभी बताया ना कि वो धो के जो डाले हुए थे। आज पूरा दिन बारिश नहीं थी तो सही धूप वगैरह का मौसम था, तो देख के आती हूँ कि कितने परसेंट जो है ना हो चुके हुए हैं, नीचे उतार के लाऊँ या ना लाऊँ। और साथ ही साथ मौसम भी देख आती हूँ कि कैसे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो रही है, गर्मी लगी है बहुत ज़्यादा, तो ज़रा छत की हवा लेके आती हैं जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब अपनी पेट पूजा का टाइम हो गया है, और बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने का। तो ये देखिए मैंने वाइट राइस और दाल जो शाम को बनाई थी तो वो जो है ना भी खा रही हूँ, और साथ ये देखिए टी, ये देखिए ज़बरदस्त सी टी, और साथ जो है ना ये अभी खाते हैं, जिस चीज़ ने खाना है आ जाओ। तो ये देखिए फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका हुआ है, एक मिनट, वो देखिए शाम नज़र आ रही है ना, शाम हो चुकी है। फातिमा मैडम ऊपर जाने में सबसे आगे होती है, कहती है मैंने भी जाना है, तो चलिए जाते हैं फिर ऊपर, देखते हैं क्या माहौल बना हुआ है ऊपर का। आयो रब्बा, एक तो मैं सफाइयां कर भी लूँ ना फिर भी मैं गंदी चुनती रहती हूँ, और फिर इतना गंद बना हुआ था। देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, शाम हुई है, ये देखिए, नहीं यार काफ़ी रोशनी है, ये देखिए, अरे ये तो बहुत रोशनी है अभी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा। तो ये देखिए मौसम तो बहुत प्यारा हो गया, इतनी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना फ्रेंड्स, इतना काम करके ना सही गर्मी सी लग गई थी, लेकिन बहुत प्यारा मौसम हो गया है। ये देखिए ऊपर आसमान नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल मगरिब हो चुकी है, अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए ये देखिए चाँद, देखिए कितना प्यारा चाँद है, चांद देखा कितना प्यारा निकला हुआ है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा सा मौसम हुआ हुआ है, अच्छा फील हो रहा है, ऊपर आके फ्रेश हो गई हूँ, मच्छर नहीं जान छोड़ते यार मच्छर, ओहो गंदे बच्चों इधर भी तुम लोग पीछे नहीं छोड़ रहे हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना जो हमने बिस्तरे धो के ऊपर डाले हुए थे सारे, एक दो तीन ये बैठिए चार, सब कुछ धो के डाला हुआ था, बीच में बारिशें हो गई, बारिशों की वजह से ये छत पे छत ही पड़ी रही, ये एक मिमी वाली भी पांच, फिर ये छत पे पड़ी रह गई। रात को मेहमान आए उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर डालने के लिए कुछ नहीं था, फिर चादरें डाल डाल के, लेकिन बिस्तर की जगह चादरें कहाँ काम कर सकती हैं। तो ये देखिए बस छत पर कितना अच्छा फील हो रहा है, ज़बरदस्त सा मौसम बना हुआ है। आप क्या कर रही हैं? हाँ और ये देखिए इसने अपना जुगाड़ शुरू कर दिया, बस ईंटें उठा उठा के, ये क्या कर रही हैं, ईंटें उठा उठा के वहाँ से लेकर आ रही है यहाँ रख रही है, ईंटें उठा उठा के ला रही है, इनके ऊपर खड़ी होकर फिर बाहर देखती है ना। अच्छा इधर मतलब ईंटें नीचे रख के ऊपर खड़े होके बाहर देखती है, ओहो मुझे पता ही नहीं था यार, माशाल्लाह बड़ी जुगाड़ू है तेज है यार। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब ये ना छत पे घूम के अपने लिए ईंटें ढूंढ रही है कि कहीं से कोई ईंटें नजर आए, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं बस। तो ओह ये देखिए फातिमा बेटा आपको लग जाएगी इतनी भारी भारी ईंटें आप उठा रही हैं। अच्छा
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा लंबे लंबे व्लॉग्स ना डालूँ, जब तक मैं सही सुपरस्टार नहीं बन जाती तब तक बड़े बड़े व्लॉग्स ना डालूँ, क्योंकि जब बंदा स्टार बन जाता है ना, मैंने देखे फिर तो उनके आधे आधे घंटे के घंटे घंटे के व्लॉग भी ना लोग बहुत शौक से देखते हैं। तो अभी न्यू यूट्यूबर हूँ, कोशिश करूँगी छोटे छोटे व्लॉग्स डाला करूँ क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं है फिर। तो अभी व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारे साथ रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।